बहुत सारे लोगों के मैं क्वेश्चन को आंसर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग डाउट में हैं, जैसे हमारे क्रिश्चियन समाज के ऊपर हमारे पास्टर विश्वासियों सबके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, धर्म बदलते हैं। देखो, मेरा नाम भी बजिंदर सिंह है, मैंने आज तक क्यों नहीं जो है उस नाम को चेंज कर लिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ कोई किसी का धर्म नहीं बदला जाता, सब अपनी आस्था के कारण आते हैं। जो हर एक धर्म के अंदर ये कानून है कि जिसकी आस्था होगी तो वो वहाँ जा सकता है। सब लोग यहाँ अपनी आस्था को लेकर आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर कहा, ये क्लियर यहाँ पर मत्ती की किताब में, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि चाहे कोई बीमार आए, चाहे कोई कुछ आए, तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करना है। ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति ये बोलता है कि लाओ जी हम पेशेंट ले आते हैं, चंगा करके दिखाओ। हम तो इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी हैं, हम परमेश्वर थोड़ी हैं, हम तो एक भक्त हैं उसके। हम जो हमें एक परमेश्वर ने जो हमें परमेश्वर ने जो है एक बख्शीश दी है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश, तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि तीन लोगों का विश्वास, कह रहा है एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। एक पादरी का विश्वास है ना, देखो आप कल्ला उसका विश्वास भी देखो ना, क्योंकि बाइबल बोलती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मतलब कि जो आप विश्वास के कारण जो भी कोई आएगा, तो जिसके घर में कोई आशीष मिलेगी तो हो जाएगा। मैं खुद, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो जब वो उसके लिए एक प्रार्थना की किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने, और आज से 11 साल पहले वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं उसी समय, अब मेरी माँ को कौन रोक दे, मेरी माँ ना कोई, मेरी माँ कहीं चर्च जाती ना कहीं कुछ करती, घर बैठ के यीशु मसीह का नाम लेती है, बोलती है कि मैं तो उसका नाम लूँगी।